धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस महत्वपूर्ण धारा 356 में 6 महीना और राष्ट्रपति शासन आगे बढ़े और रिजर्वेशन के इस बिल को मुझे भारतीय जनता पार्टी के रूप से बोलने के लिए आपने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि जिस रूप से विरोधी पक्ष में कहीं न कहीं इतिहास का विचार किया गया, इतिहास के प्रारूप से आज के जम्मू कश्मीर को देखा जा रहा है, ये बहुत अच्छा लगा कि वो इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसी युवा सांसद हूं जो बचपन से देखती आ रही हूं जम्मू कश्मीर को, जब फ्रंट पेज पे किस इतिहास के रूप से हम देख रहे हैं। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो भारत का हिस्सा जम्मू और कश्मीर लद्दाख था और है। मुझे ये प्रश्न होता है कि क्यों जब 1947 में हमें आजादी मिली और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू भारत का अभिन्न भाग तब से था, तो क्यों तभी के तत्कालीन प्रधानमंत्री भीख मांगने के लिए यूनाइटेड नेशन में जाके ये कहने लग गए, जिनको मैं बिल्कुल आदर करती हूँ, क्यों कहने लग गए कि हमें हमारे कश्मीर का रेजोल्यूशन आप दो। Why did we go to a third party resolution? With due respect, मेरा ये कहना है कि ये आलोचना नहीं है, ये आलोचना नहीं है, माफ करिए, ये आलोचना नहीं है, अपेक्षा थी, ये फैक्ट है, इसको देख लूंगा। ऐतिहासिक ब्लंडर कहा जाता था। जब इतिहास में जाना हो तो इतिहास में जिस प्रकार से ऐतिहासिक ब्लंडर किया गया है उसकी भी कहीं ना कहीं समीक्षा इधर होनी चाहिए, लेकिन इसलिए बताना बहुत जरूरी है क्यों तब के तत्कालीन, ये क्यों है प्रश्न मेरा एक युवा सांसद के रूप से कि क्यों तब के हमारे सबके आदरणीय पहले प्रधानमंत्री, इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, थर्ड पार्टी के पास गए कि हमारा जम्मू कश्मीर का मसला आप सुलझाइए। उस वक्त का ऐतिहासिक ब्लंडर आज भी हम फेस कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, इस क्यों का प्रश्न हमें चाहिए। आप इतिहास में जाना चाहते तो मुझे आपको ये प्रश्न पूछना है, कश्मीर में जाते वक्त परमिट मांगना पड़ता था और देना पड़ता था, क्यों कश्मीर जाते वक्त हमें परमिट लेना पड़ता था? क्यों कश्मीर हमारा अभिन्न भाग नहीं है, हम अभिन्न रूप से कश्मीर के साथ नहीं रहते थे? क्यों तभी इस बार की लड़ाई होती थी कि दो प्रधान थे, दो संविधान थे और दो निशान थे? क्यों हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसके खिलाफ लड़ना पड़ा और क्यों उनको बलिदान देना पड़ा कि परमिट के बिना हम हमारे जम्मू कश्मीर में आएंगे? ये इतिहास का प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। क्यों ऐसे हुआ कि कश्मीरी पंडित हमारे कांग्रेस के पेट्रियार्क कश्मीरी पंडित है, इसका वो हर वक्त गर्व से बात करते थे, उसी पेट्रियार्क कश्मीरी पंडित हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे, उसी वक्त ऐतिहासिक ब्लंडर भी हुआ? फिर मैं इतिहास में सब जाना चाहते तो इतिहास का ये भी प्रश्न आप उत्तर दीजिए कि क्यों कश्मीरी पंडितों को, उसी सेक्युलर कंट्री के बारे में आप बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर से भगा दिया गया और उनको अपनी जमीन से बाहर भेज दिया गया, उसका आप जवाब दीजिए। मेरे बहुत क्यों प्रश्न है, मुझे ये इतिहास में जाके आपको पूछना है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस नियम के तहत, किस नियम के, नियम बताए ना आप, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस नियम के तहत? नहीं माने सर, प्लीज आप नियम बताए किस नियम के तहत जी। सर इतिहास के रूप से ये क्यों प्रश्न के उत्तर भी आप हमें दे दीजिए। जब कश्मीरी पंडितों को कांग्रेस के, मैं कहती हूँ पेट्रियार्क इसलिए पूछती हूँ कि कश्मीरी पंडिताएं पे बहुत सारी चीजें लिखी गई, वही हमारे कश्मीरी पंडित आज मेरे चुनाव क्षेत्र बांद्रा में अभी भी बेचारे विस्थापित होकर रह रहे हैं और मुझे ये पूछते हैं कि मैं अपने घर कब जाऊंगा, लेकिन हाँ आज मोदी सरकार आई है तो कश्मीरी पंडितों का सम्मान हो रहा है और वो वापस जाने की तैयारी में है। मेरा ये भी सवाल है, इतिहास में आप जा रहे हो, क्यों आप हमें जब आपकी सरकार थी तभी तिरंगा हमारा लाल चौक में क्यों फहराने आप देते नहीं थे? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। क्यों हमारे जवान आपकी राजनीति की वजह से, आप तो 90 के बाद का समय बता रहे हो, उसके पहले का तो समय आपका था, क्यों हमारे जवानों के परिवार ये सोचते कि बॉर्डर पे मेरे जवान, मेरा भाई, मेरा पति वहां पे खड़ा है, कश्मीर के हालात खराब है, कब उसकी पीड़ा कम होगी कि कश्मीर अच्छा रहेगा, कश्मीर खुशहाल रहेगा और जवानों के परिवार को विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मेरे परिवार वहां पे ठीक है कि नहीं?
मेरे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपसे, इतिहास में आप जानना चाहते हैं, क्यों क्यों कश्मीरी युवा इस देश से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इस तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कश्मीरी युवा देश की धारा में आना चाहता है तो भी वो आ नहीं सकता, इस क्यों का आप इतिहास मुझे जवाब दीजिए। क्यों कश्मीरी युवाओं को हाथ में किताब औजार और आज स्किल इंडिया से जैसे 30,000 युवाओं को हम स्किल दे रहे, क्यों आप उनके हाथ में पत्थर दे रहे थे लेकिन कभी किताब और उनके हाथ में जवाब नहीं दिया, इस क्यों और इस इतिहास का आप मुझे जवाब दीजिए। अभी मैंने सुना कि हर एक सरकार की आदरणीय तिवारी जी ने तारीफ की, ये बहुत अच्छा है, हम सब करेंगे। उन्होंने हर उनकी सरकार के बारे में आदरणीय इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी का नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा 1991 में जो सरकार थी उस सरकार ने अच्छा काम किया। तो उस सरकार के प्रधानमंत्री भी आपके थे, आप उनका नाम भूल गए थे क्या, या ये नाम क्यों आप ले नहीं सकते कि इस रूप से राजनीति यहाँ पे तैयार हो रही है। इस क्यों के जब प्रश्न निर्माण होते तो मुझे एक ही मूल मंत्र देता है जो आदरणीय तिवारी जी ने भी हमें दिया, उन्होंने भी हमारे सारे सबके प्यारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूल मंत्र हमें बताया, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। ये बोलने के लिए क्यों 60 साल हमें रुकना पड़ा, इस क्यों का जवाब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहती हूं। मुझे याद है 1992 में लाल चौक में तिरंगा फहराया था एकता यात्रा में, एक उस पर कहानी थी, एक अखबार में मैं पढ़ रही थी, एक मोहम्मद अशरफ आजाद बुधगांव के 20 साल का जवान तभी 1992 में लाल चौक में गया देखने के लिए कि कैसे कोई देश का झंडा वहां पे लहरा सकता है, और फक्र से उसने अपना सल्यूट वहां पे दिया, और उसने तभी कहा कि मैं भाजपाई को वहां पे देख के मैं अचंभित हो गया कि यहां पे आजू बाजू रास्ते पे टेररिस्ट घूम रहे हैं लेकिन कश्मीर का झंडा भाजपाइयों ने वहां पे किया और मैंने सल्यूट किया, और उस झंडा वहां पे लहराने के लिए उस एकता यात्रा में हमारे के अभी प्रधानमंत्री और तभी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे झंडा लहराया था, ये क्यों का जवाब मैं चाहती हूं। ये विचारधारा है हमारी, इसी विचारधारा को हमें लेके जाना है। भारत का शीर्ष है कश्मीर, उसको हमें झुकने नहीं देना है, और उसको झुकने नहीं देने के लिए हम कार्यरत रहते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब 1992 में झंडा फहराया और 2015 की सरकार के बारे में यहाँ पे बहुत टिप्पणियां हुई, उस टिप्पणी में प्रधानमंत्री में 2015 में जब कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को 80,000 करोड़ का पैकेज दिया, तभी प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे रूप से अपनी आवाम को, वहां की जनता को ये कहा कि दिल्ली का खजाना आप सबके लिए है, अपनी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कहा, दिल्ली का खजाना आप सबके लिए है लेकिन दिल्ली से दिल्ली का दिल भी आपके लिए मैं हाजिर लेके आया हूं। इस प्रकार से दिल से जोड़ने की राजनीति एनडीए के सरकारों ने की है। मुझे सौभाग्य इसका मतलब मिलता है कि जिस दिल के जोड़ने की राजनीति और जिस प्रकार की प्रक्रिया हमने शुरू की एनडीए के सरकार में 2014 से लेकर 2019 तक एनडीए सरकार ने ये कायम रखी। जीएसटी काउंसिल में जम्मू और कश्मीर को लेना, इस बिल के पहले इसलिए ऑर्डिनेंस लाना क्योंकि हम सबको साथ में लेके काम करें, उड़ान योजना से जिन युवाओं के बारे यहाँ पे बात होती है कि वो देश से अलग है, नहीं भाई साहब, मैं खुद जम्मू कश्मीर बहुत बार जाके आई हूँ, युवा मोर्चा की अध्यक्षा के रूप से मैं सबसे मिली हुई हूँ। उड़ान योजना से 30,000 कश्मीरी युवकों को स्किल इंडिया के रूप से उनको सराहाया गया है और उनको पढ़ाया गया है, और उसमें से 18,000 युवकों को नौकरी मिली है, प्लेसमेंट मिला है। हमारे तत्कालीन तभी के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ जी जब गए थे तो वतन को जानो ये एक बहुत सुंदर पहल की थी कि कश्मीरी बच्चे अपने वतन को जाने, दिल्ली आए, भारत देखे, मुंबई देखे, और इस रूप से सैकड़ों बच्चे वतन को जानो के रूप से जुड़ गए थे। लेकिन सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात तो अब हुई, दो दिनों पहले जब हमारे अभी के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह श्रीनगर पहुंचे तो एक ऐतिहासिक बात हुई। वो ऐतिहासिक बात ऐसे हुई कि तभी के तत्कालीन तभी के हमारे सबके प्यारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद पहली बार ऐसे गृह मंत्री श्रीनगर उतरे जहां पे उनके खिलाफ कोई वार्निंग नहीं थी, कोई विरोध नहीं था, और बड़बल्ले ने कहीं कर्फ्यू भी नहीं लगाया। इस प्रकार से जम्मू और कश्मीर ने अमित भाई शाह का स्वागत किया, ये दिल से स्वागत था। मैं खुद जानती हूं जब से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी
मेरे अध्यक्ष कभी अमित भाई थे, अभी भी है, उन्होंने मुझे कहा था पूनम, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं को जोड़ के हम भारत को मुख्य धारा में लाके काम करना चाहते। हमने वो सुना, मुझे याद है 22, 23, 24 अक्टूबर 2017 हम श्रीनगर गए, पूरे जम्मू कश्मीर का कार्यक्रम था, इतने सारे युवाओं से वहां पे जुड़ी। जिस स्टेडियम, ऐतिहासिक जगह की आप बात करें, शेरे कश्मीर स्टेडियम, वहां पे युवा मोर्चा का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और मुझे कहने के लिए फख्र महसूस होता है कि उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, युवा सब कश्मीर के और श्रीनगर के आए। वहां पे बहुत सारी वार्निंग भी दी गई थी, आप भाजपा के कार्यक्रम में जाओगे तो आपको मार दिया जाएगा, लेकिन उस कार्यक्रम में 50% लड़कियां थी और युवतियां भी जानती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और इस रूप से कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर्स, यंग लेक्चरर्स, म्यूजिक कंपनी, कौन कौन नहीं मिला मुझे श्रीनगर में। टेक्नोगर के एक म्यूजिक बैंड मिला था श्रीनगर में और मुझे कह रहा था दीदी हमें मुंबई ले जाए, आप हमें कहीं भी ले जाओ, हम दिखाना चाहते कि हम श्रीनगर के यूथ कहीं भारत से टूटे हुए नहीं है। अतर इकबाल मिल, मुस्तफा कादरी, शब्बीर अहमद, कितने सारे युवा मुझसे ऐसे मिले थे जो अपनी कला पूरे देश भर में दिखाना चाहते थे और कहना चाहते थे वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्रीज मेन वेन, मैं इस देश की ताकत हूं और मैं देश की ताकत को दिखाना चाहता हूं, मैं मुख्य धारा का, मैं कश्मीरी यूथ नहीं, मैं भारतीय यूथ हूं, ये दिखाना वो चाहते थे। मेरे वहां के श्रीनगर के जिला अध्यक्ष, उनके परिवार को आदरणीय अमित भाई शाह परसों मिलके आए, गौहर भट्ट, आज उसका नाम मुझे लेते हुए दर्द भी होता है और फख्र भी महसूस होता है। वो जिला अध्यक्ष इतना खुश था जब हमने वो 2-3 दिन का कार्यक्रम किया युवाओं से जुड़े, और उसको मैंने कहा था अभी तुम मुंबई आओगे तो हम आपको बॉलीवुड दिखाएंगे, और पूरी टीम कह रही थी दीदी हमें समुंदर देखना है, मैंने जरूर आए और कार्यक्रम करें, कह रहे लेकिन मैं देखता हूं कितने समय हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ मिलिटेंट हर वक्त ये लगे रहते कि तुम भाजपा के साथ जुड़े हो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हर वक्त धमकी अमल की आ रही है। लेकिन जब 23 अक्टूबर को मैं 24 को मुंबई वापस आई, और आते ही समय में 2 नवंबर 2017 में मेरे श्रीनगर के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की गलती इतनी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, युवकों को भारत के साथ जोड़ना चाहता है, उसकी निर्घुण हत्या की और उसको मार दिया गया। ये गौहर भट्ट का विषय जब मैंने उठाया तो कांग्रेस ने मेरा विरोध किया था पिछले वक्त, मुझे याद है, क्योंकि मैंने एक ही सवाल पूछा था कि क्यों पाकिस्तानी काउंसलेट में जाके अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नेता ऐसे वक्तव्य करते हैं, लेकिन गौहर भट्ट जब मारा जाता है तो कोई इसके खिलाफ कुछ इसके बारे में कुछ कहता नहीं, ये मैंने प्रश्न उठाया था। और मैं खुश हूं उसी शहीद गौहर भट्ट और ऐसे युवा मोर्चा के अनेक कार्यकर्ता है, उनको खुद आदरणीय अमित भाई शाह मिले और गौहर भट्ट के परिवार को ताकत दी। इंस्पेक्टर अरशद खान, 1 साल और 5 साल का बच्चा, ऐसे कनेक होंगे लेकिन सबसे युवा बच्चे, छोटा परिवार, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा ये ताकत है जम्मू और कश्मीर, और आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी उनके जब घर गए तो उन्होंने इतना ही कहा कि तुम्हारा नहीं हम सबका बेटा है और आपके बेटे अरशद खान पे पूरे देश को फख्र है, इस ताकत के रूप से हम काम कर रहे हैं। आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, ऐसे सैकड़ों जवानों ने इस जम्मू और कश्मीर की ताकत के लिए अपनी जान दी। यहां पे बहुत सारी टिप्पणियां हुई कि क्या हुआ, कितने आतंकी मारे गए, आंकड़ा तो देना भूल गए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं नो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये हर वक्त एनडीए का हर वक्त मूल स्वभाव है, रहेगा और रहते रहेगा, इस रूप से काम करते आ रहे हैं। ये बिल दोनों रूप से है, क्यों हम चाहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस से 6 महीना हम आगे इसको बढ़ाए। हां, प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि ये जब सरकार हुई तो पानी और तेल साथ में रहा, लेकिन हमने ये कोशिश की थी कि डेमोक्रेसी विच यू आर फाइटिंग फॉर एंड विच वी ऑलवेज फाइट फॉर, इस लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एक सरकार होना बहुत जरूरी है, और वो देश के विचारों की सरकार हो, साथ में मिलने की सरकार हो, काम करने की सरकार हो। हां, उस सरकार का काम नहीं हुआ कुछ कारणों के रूप से, डेमोक्रेटिक रूप से, लोकशाही के रूप से, लोकतंत्र के रूप से सरकार साथ में नहीं रही, लेकिन राष्ट्रीय रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम सदैव चलता रहा। आप आज भी देखेंगे गवर्नर की वेबसाइट में भी, जब से प्रेसिडेंट रूल आया हुआ है, युवाओं से संबंध रखना, जनता से संबंध रखना, आज ये ऑर्डिनेंस के रूप से हमारे 350 गांव में 3 लाख लोगों को फायदा होने के लिए बिल लाना, ये रिजर्वेशन बिल भी क्या है, ये रिजर्वेशन बिल उसके लिए है
कि बॉर्डर के पास रहने वाले हमारे जो गांव कर्मी रहते हैं, रजूरी, बिश्ना, छम, बिलावर, ये सब जम्मू रीजन के लोग हैं, मैं वहां जा आई हूँ। कुछ कुछ जगहों पे हम लोगों से मिले, युवा मोर्चा काम करता था। इन सब लोगों को, जैसे आदरणीय गृहमंत्री जी ने कहा कि बमबार्डिंग पाकिस्तान की हर वक्त चलती रहती है, घर में माँ ये सोचती बच्चा मेरा पढ़ेगा कैसे, यहाँ पे मैं कैसे रह पाऊं, लेकिन वो माँ ये सोचती भी है और बोलती भी है कितनी भी तकलीफ हो मैं भारत में ही रहूंगी और भारत के लिए ही लड़ूंगी और उसकी नागरिक रहूंगी। और उस नागरिक का सम्मान सालों साल आप लोगों ने दूर रखा। जो नागरिक रोज बमबारी देख रहा था, जो नागरिक हर वक्त अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंता में था, वो माँ चिंता में थी, उस माँ के लिए इतने साल कभी ऑपोजिशन में सोचा नहीं, वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की राजनीति करते गए कि कहाँ पे मेरा वोट है और कहाँ पे उनका वोट है। लेकिन आज ये कहा जाता है ना, राजनीति के परे हम उठे, यही वो बिल है कि राजनीति के परे उठ के सारे युवाओं को साथ में ला के मुख्य धारा में हमें लाना है। यही राजनीति के परे उठ के जिस आपने इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत की मूल मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया, उसी मूल मंत्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि ये मूल मंत्र लेके मैं अपना दिल कश्मीरी जनता को देना चाहता हूं। हर एक दिवाली कश्मीर में हुई, पहली बार जो भी कुछ हुआ कश्मीर के लिए हुआ, जम्मू कश्मीर लद्दाख के युवकों के लिए हर वक्त और ज्यादा अच्छा रूप से सोचने की कोशिश की, इस जम्मू और कश्मीर के हर युवाओं को अपने नस नस में रखा, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अब जन्मे आर्थिक जनसत्ता होने की ताकत में है, आज हम इमर्जिंग इकोनॉमी में 5वें नंबर पे है, 10-11 से लेके 5वें नंबर पे, उसमें कोई एक प्रदेश, एक जात, एक विभाग नहीं साथ में आके देश को आगे बढ़ाएगा, वो पूरा देश जब आके आएगा, पूरा साथ में इकट्ठे मिलकर रहेगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इसी विचारधारा को लेके हम सब साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस रूप से हम लोकतंत्र, सब लोकतंत्र जम्मू और कश्मीर में चाहते हैं, वो अब तक तैयार नहीं हो रहा है। ये बेसवालिया निशान खड़ा होता है, और खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है, जो खुद स्वायत्त रूप से अपना काम करती है, कि नहीं अभी चुनाव हो नहीं सकते, कुछ समय के बाद चुनाव हो सकते हैं। आप जानते हैं आपने जिनके साथ सरकार रखी, हमने किसके साथ सरकार रखी, हर कोई उन चुनाव के विरोध में जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि 2014 में आप जो सरकार छोड़ के गए, आप कह रहे हैं उसके बाद क्या स्थिति हुई, उसके बाद स्थिति पर आप अपने पार्टी की देखिए कि आपका जम्मू और कश्मीर में कितना वोट शेयर रह गया। आज भारतीय जनता पार्टी का 8% से 2002 से लेके 2019 में 48% वोट शेयर हो गया है, तो ये किस रूप से आप बात कर रहे हैं? क्योंकि जनता, वोट शेयर क्या होता है? वोट शेयर तो कोई पार्टी नहीं तय करती, वोट शेयर जनता तय करती है। जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। जनता चाहती थी और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हो, और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों तक भारत को आगे लेके एक स्वर्णिम काल में भारत को ले जाए, ये जनता चाहती है। इसलिए वोट शेयर के बारे में आपको कह रही हूँ। आप जरा गिनिए हर जगह का वोट शेयर, मैं सिर्फ कश्मीर का आपका नहीं देखना चाहती, पूरे देश भर में आप कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, फिर सवालिया निशान खड़ा करिए कि आपने किया क्या था। आप जनता के इंटेलेक्ट का सवाल पूछ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां पे सरकार भाजपा की क्यों है, जम्मू और कश्मीर में भाजपा को इतना प्रतिशत वोट क्यों मिला है? अरे बाबा, देश की जनता ने तय कर लिया, आप उनको रोक नहीं पाओगे। देश की जनता ने तय कर लिया है कि कश्मीर इस देश का अभिन्न भाग था, है और रहेगा, और इसको आगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जाएंगे, और इस स्वर्णिम काल में कश्मीर का युवा भी जिस देश के युवा के इस पूरी मुख्य धारा में जुड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं 2 मिनट हमने अपना वाणी को विराम देती हूँ। जिस प्रकार से नो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, स्टिल लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स आर पीपल इन कश्मीर, ये कह रहे हैं कश्मीर की जनता टूटेगी हमारे साथ। ये दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता कह रहे हमारी जनता हमसे टूटेगी। ये इट्स अ शेम ऑन थिंकिंग अबाउट आवर ओन इंडियन सिटीजन दैट दे वांट टू बी अवे फ्रॉम इंडिया। इसके विरोध में हमने ये दिखाना चाहिए कि किस रूप से देश की जनता उभर रही है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस जम्मू कश्मीर के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया, जिस जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया,
आर्मी ने दिया, बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी और सब लोगों ने बलिदान दिया, आज उस जम्मू कश्मीर की ताकत का सवाल है। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि जम्मू कश्मीर को और कश्मीर को तो हम जन्नत कहते थे। मैं पिछले भी भाषण में अमीर खुसरो जी की वो बात याद करती हूँ कि गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त, हमी नस्तो। जहां कोई जन्नत इस पृथ्वी तल पे है तो कश्मीर में है, यही है। और इस जन्नत को बरकरार रखने के लिए इन दोनों बिल को मैं समर्थन देती हूँ। और मैं जानती हूँ कश्मीर जन्नत सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के सरकार में रहेगा और देश उसके साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।